हेलो हे एवरीवन, आज मैं अपनी रियल क्लाइंट पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल। ये थी मेरी मॉर्निंग की रियल एंगेजमेंट मेकअप किया था मैंने इनका, और साथ में क्या है प्यारा सा हेयर डू। सबसे पहले जिगजैग सेक्शन निकाल लेंगे और बैक में जितने भी हेयर हैं उन्हें कर्ल करेंगे। मैंने पफ के लिए बाल जो है वो ऊपर लगा दिए हैं और नीचे बचे हुए बालों का हम कर्ल कर रहे हैं। कर्ल करने के लिए मैंने प्रेसिंग मशीन का यूज़ किया है, ये है आइकॉनिक की प्रेसिंग मशीन। और पहले मैंने थोड़ा सा बी ब्लेंड का स्प्रे यूज़ किया है, हेयर सीरम यानी प्रोटेक्टिव सीरम आता है वो आप यूज़ कर लीजिएगा, और हेयर स्प्रे हम बाद में यूज़ कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे हैं। और ये लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, थोड़ा सा टेक्सचर देखना होता है हेयर का कि कितने सिल्की हैं या कैसे हैं, तो मेरी क्लाइंट के कुछ भी नहीं हो रखा है रिबॉन्डिंग वगैरह, तो इनके लॉन्ग टाइम रहेंगे। और इस तरीके से हम करें, और मैं टाफ का हेयर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। इस तरीके से एक एक सेक्शन लेकर करते जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा पतले बाल हैं तो थोड़ा सेक्शन को पतला कर लीजिएगा, मोटे बाल हैं तो थोड़ा मोटा रख सकते हो। और ये हमारे नीचे लेंथ पे हो गए। अब हम बनाएंगे इनका पफ, विदाउट स्टफी पफ बना रहे हैं, इस तरीके से उलझाते हुए बनाएंगे हल्का हल्का सा। और अपने क्लाइंट को साथ के साथ बताते जाइएगा कि आपको इनको निकालना कैसे है। ये देखिए मैं रूट्स एरिया से थोड़ा थोड़ा सा उलझाती जा रही हूँ, और हम पफ बनाएंगे इस तरीके से। मैंने थोड़ी से लेयर आगे छोड़ लिया ताकि मैं लेयर्स निकाल पाऊँ। आपके कमेंट आ रहे थे कि मैम लेयर्स पे हेयर स्टाइल बताइएगा लेयर्स का, तो यहाँ पे लाइट लाइट हाथों से इस तरीके से पफ बनाएंगे और अब बॉपिन लगा देंगे। अब दोनों साइड के जो मैंने बाल निकाले थे उन पर भी अच्छे से क्लिप कर देंगे, हल्का सा लाइट सा स्प्रे डालेंगे और इस तरीके से। मैं स्प्रे का बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, इसीलिए मेरी क्लाइंट भी खुश रहती हैं। और इस तरीके से देखिए टेलकॉम की हेल्प से मैंने लेयर निकाल लिया, टेलकॉम किया था उसके बाद स्प्रे किया और फिर फिंगर से सेट कर लेंगे। बहुत अच्छे से निकलती है टेलकॉम से भी लेयर, ये देखिए एकदम फिनिशिंग आ जाती है आपके। आपके सामने कर रही हूँ, टेलकॉम से क्रिएट की थी मैंने और फिंगर से इन्हें कर दिया स्प्रे के बाद इस तरीके से। अब यहाँ से टाइट हाथ से क्लिप को पकड़ लेंगे और बचे हुए बालों को पीछे कर्ल करेंगे। अगर आप नहीं पकड़ेंगे वहाँ से पिन को तो आपका पफ जो है वो लूज़ हो जाएगा, तो थोड़ा सा दबा लीजिएगा उसके बाद करिएगा इस तरीके से। कर्ल आप देख रहे हो, एक बार अलग से मैं डिटेल वीडियो कर्ल पे बना दूंगी, ये हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में किया था और देख सकते हैं इसीलिए वीडियो मेरा इस तरीके से बना है। थोड़ा उसमें होता तो आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आता। और ये हमारे बैक के कर्ल भी हो गए हैं, आप देख सकते हो कर्ल भी बहुत लॉन्ग टाइम रहेंगे ये। अब यहाँ पर टीका लगाएंगे इस तरीके से, पार्टिंग निकालेगा। और इनके पास टीका नहीं था, मैंने हैक शेयर किया है इंस्टाग्राम पे, टीका मैंने नथ की लड़ी निकाल के अपने पेंडेंट सेट से टीका बनाया है, इनके सेट में टीका नहीं था। तो आप ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक करिएगा। और मैंने नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पे भी शेयर किया किस तरीके से अपने पेंडेंट सेट से आप टीका बना सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग फोरहेड है तो इस तरीके का टीका होगा तो फोरहेड थोड़ा कवर हो जाएगा, और हेयर स्टाइल इस तरीके का होगा तो फोरहेड कवर हो जाएगा। और मैंने आधे बाल जो फ्रंट में लिए थे उन्हें साइड में इस तरीके से निकाल दिया और लाइंस क्रिएट कर दिए हैं, देख सकते हो किस तरीके से मैंने लाइंस क्रिएट किए हैं, आपके पफ को भी अच्छा लुक देंगी और बहुत ब्रॉड फोरहेड है तो उसको भी ये कवर करेंगी। हमने फ्रंट में इस तरीके की एक लेयर बचा लिया, अब इसे हम फ्रंट में लाते हुए गिराएंगे ताकि फोरहेड कवर हो जाए। ये हेयर स्टाइल लॉन्ग फोरहेड के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो आप इसे कर सकते हैं। देखिएगा मैंने हल्का सा प्रेसिंग से टर्न किया इसको और इस तरीके से लूज करते हुए लगा दूंगी। ये देखिए आपका हाफ फोरहेड बिल्कुल कवर हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ से मैं दो ट्रिक बता चुकी हूँ, टेलकॉम से, अब फिंगर से भी कितनी आसानी से हमारी लेयर्स निकल जाती हैं। आप इस तरीके से फिंगर से निकालेंगे, बाद में स्प्रे से सेट कर देंगे। और फ्रंट में हमने लेयर छोड़ी थी तो इन्हें अपनी प्रेसिंग मशीन से कर्ल कर देंगे। और इनका फोरहेड आप देख रहे हो फ्रंट में थोड़ा खाली सा है, पार्टिंग नजर आ रही है, तो हमने वो आई शेडो से कवर कर दिया था। वो हैक भी देखना चाहते हैं तो नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पर जाकर देख सकते हैं, मैंने शेयर किया हुआ है किस तरीके से आप आई शेडो से कवर कर सकते हैं उसे। और अच्छे से कंप्लीट बनने के बाद इस तरीके का हमने एसेसरी यूज़ किया था, जहाँ पर आपके पिन वगैरह दिखाई देती हैं, तो आप रियल फ्रार का यूज़ कर सकते हैं या इस तरीके की एसेसरीज का यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए कितना प्यारा, रियल हेयर से ही ज़्यादा मेहनत ना करते हो हमने हेयर स्टाइल क्रिएट कर दिया। आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप भी ट्राई करके जरूर देखिएगा। और अगर इनका मेकअप आपने नहीं देखा है तो नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पर देख सकते हैं, और इनकी बहुत सारी रील शेयर की हुई है इंस्टाग्राम पर, आफ्टर बिफोर लुक देखिएगा इनका, ताकि आपको भी पता चले कि बड़े फोरहेड पे या फीचर इन्हेंस नहीं होते हैं तो किस तरीके से उन्हें इन्हेंस करें, और कौन से प्रोडक्ट से मैंने मेकअप किया है, सभी वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे और मेरा हेयर स्टाइल अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और अच्छा लगे, तब तक के लिए बाय बाय।